आज मेरे पास है ऑल न्यू ड्यूक 200। आज इस बाइक के बारे में सारी डिटेल्स में आपको बताएंगे इस बाइक की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, साथ ही साथ अगर आप ये बाइक खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा, सारी डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बाइक के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं, फिर इसका जो फाइनेंस स्कीम है वो भी वीडियो के एंड तक आपको शेयर करेंगे। वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स। लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपके फिर से स्वागत है। आज हमारे पास जो बाइक है वो है ड्यूक 200 एक नया कलर स्कीम के साथ। तो इस बाइक के बारे में सारे डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक टेक्निकल फीचर्स के बारे में, बाद में इसका फाइनेंस स्कीम भी आपको बता देते हैं। शुरू करते हैं इसके लुक्स एंड डिजाइन के साथ। सबसे पहले इस बाइक की कलर स्कीम के बारे में बता देते हैं। तो इस बाइक में आपको तीन अलग कलर आपको मिल जाती है। हमारे सामने जो बाइक देख रहे हैं ये ब्रांड न्यू कलर है, इसको कहते हैं डार्क गैल्वेनो। इसके साथ साथ डार्क सिल्वर मेटालिक भी ऑप्शन है और इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज का ऑप्शन भी अभी शोरूम में अवेलेबल है। तो ये लेटेस्ट कलर है जो आप देख रहे हो। तो इस बाइक में जो कलर कॉम्बिनेशन है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे प्योर ब्लैक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज का ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में देखिए यहाँ पे ऑरेंज का कुछ ग्राफिक्स दिया हुआ है। फ्रंट जो मडगार्ड है यहाँ पे डुअल टोन कलर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ ये जो कलर है ये थोड़ा सा मेटल फिनिश में आता है। अभी अगर इस बाइक के टेक्निकल एंड मैकेनिकल डिटेल्स के बारे में बताएंगे, सबसे पहले इस बाइक की जो सस्पेंशन है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, यहाँ पे आपको WP Apex की USD सस्पेंशन ऑफर की जाती है और रेयर में देखिए यहाँ पे एक मोनोशॉक ऑफर की जाती है जो 10 स्टेप तक एडजस्टेबल है। डेफिनेटली ये भी WP Apex का सस्पेंशन इस बाइक में मिलती है जो वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास मानी जाती है। साथ ही साथ इस बाइक की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। इस बाइक में आपको डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS ऑफर की जाती है। फ्रंट में आपको मिलती है 300mm का डिस्क और रेयर में आपको ऑफर की जाती है 230mm का डिस्क। तो ब्रेकिंग के मामले में काफ़ी बढ़िया हो जाती है बाइक। तो देख ही सकते इस बाइक के जो ग्रिप है काफ़ी बढ़िया है। पावर के हिसाब से इस बाइक में जो सेफ्टी प्रोवाइड करती है वो काफ़ी बढ़िया मिलती है इस बाइक से। और राइडिंग पोजीशन से देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट हैंडल बार और यहाँ पे एक छोटा सा मीटर कंसोल ऑफर की जाती है और यहाँ पे 13 लीटर का फ्यूल टैंक का शेप कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे ऑफर की जाती है एक बढ़िया सी स्प्लिट सीट जो इस बाइक की खासियत है। KTM की कोई भी बाइक ले लो तो ये जो स्प्लिट सीट का लुक है काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब व्हील भी आप देख सकते हो जो काफ़ी बढ़िया शेप में इस बाइक में दिया जाता है। और पीछे का टेल लाइट और हेडलैम्प सारा LED हेडलैम्प यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है। और अगर इस बाइक की टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 110/70x17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है और रियर में आपको 150/60x17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। मतलब दोनों टायर का जो रेडियस है वो 17 इंच का है पर रियर टायर है काफ़ी चौड़ी, एक रियर टायर आपको इस बाइक से मिलती है। और फाइनली अगर इस बाइक की इंजन के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको मिल जाती है 199.5 cc की लिक्विड कूल इंजन जहाँ पे 24.6 BHP का पावर एंड 19 Nm टॉर्क मिल जाती है इस बाइक से जो काफ़ी पावरफुल है। वेट एंड पावर का जो रेशियो है KTM के हर एक बाइक में एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन मिलती है। तो चलिए एक बार ड्यूक 200 में बैठ के आपको बताते हैं। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 822 mm जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि 822 mm सीट हाइट थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है। देखिए मेरा फिट पूरा ज़मीन तक आ गया है, वैसे इस बाइक राइड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मेरा हाइट 5'7" है, बाकी डेफिनेटली आप एक बार इस बाइक में बैठ के देख लेना। कोई भी बाइक अगर रेगुलरली राइड करते हो तो सीट हाइट आपके राइडिंग स्टाइल के साथ एडजस्ट हो जाता है। बाकी इस बाइक की जो कार्ब वेट है वो है 159 kg जो लाइट वेट कर सकते हो क्योंकि ये नेकेड वर्जन है, बहुत ज़्यादा हेवी बाइक ये नहीं है। और इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm, मतलब इंडियन रोड के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बहुत कम आपको लग सकता है। ये बाइक लेके ऑफ रोड करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके लिए एडवेंचर 390 डेफिनेटली है, पर सिटी राइड के लिए ये बाइक एकदम परफेक्ट मशीन हो जाती है। अगर माइलेज की बात करें तो इस बाइक से आप 30-35 km/L तक माइलेज निकाल सकते हो और डेफिनेटली बाइक की माइलेज अपना राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप इस बाइक को सही तरीके से राइड करते हो तो 35+ भी माइलेज आप इस ड्यूक 200 से निकाल सकते हो। बाकी अगर टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक से आपको 140-145 तक टॉप स्पीड इस बाइक से आप निकाल सकते हो, पर डेफिनेटली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि ये बाइक लेके आप बहुत ज़्यादा तेज चलाइए। जितना सेफली आप बाइक राइड करोगे उतना बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ बढ़िया सी माइलेज आपको मिलेगी। तो चलिए अभी बात करते हैं इस बाइक की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस और अगर आप ये बाइक खरीदना चाहते हो तो कितना डाउन पेमेंट करने के साथ आप ये बाइक खरीद सकते हो और दो अलग अलग फाइनेंस स्कीम भी आपको इस वीडियो में बता देंगे। फाइनेंस स्कीम बताने से पहले आपको बता दूं मैं हूं अभी सिलीगुड़ी में, यहाँ पे KTM सेवक रोड का जो शोरूम है, यहाँ पे सारे बाइक्स
सारे कलर्स सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाती है। ड्यूक 200 के साथ साथ यहाँ पे एडवेंचर 390 से लेके सारे बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप KTM की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आके जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी अगर ड्यूक 200 की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो 235,335 रुपीज़ के ऑन रोड प्राइस के साथ ये बाइक शोरूम में मिल जाती है। तो आज इस वीडियो में दो अलग फिनेंस स्कीम के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे अगर आप मिनिमम 40,000 डाउन पेमेंट करते हो और अगर आप मिनिमम 60,000 डाउन पेमेंट करते हो तो दोनों डाउन पेमेंट के ऊपर कितना आपका EMI आएगा। अगर आप 40,000 डाउन पेमेंट करते हो जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है, उसके हिसाब से अगर 5 साल के लिए आप EMI में ये बाइक खरीदना चाहते हो तो मिनिमम 5,000 से 5,200 तक मंथली EMI के साथ ये बाइक आप ले सकते हो। और अगर आप 60,000 डाउन पेमेंट करते हो और 4 साल के लिए EMI में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो मंथली आपको 4,200 से 4,500 तक मंथली EMI के साथ आप ये बाइक खरीद सकते हो। तो ये जो फिनेंस स्कीम बताई एक एवरेज आउट फिनेंस स्कीम है, बाकी आप अपना सिविल स्कोर शोरूम में आके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कोई नया अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तब तक के लिए सेफ राइड सेव लाइफ।